हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब जगह अभी गणपति की स्थापना की तैयारियां चल रही हैं, तो ये जो वीडियो है ये भी उसी से संबंधित है। हर फैमिली में गणपति जी की स्थापना, गणपति जी की पूजा, उनकी अर्चना उनके परिवार के परंपरा के अनुसार होती है। लेकिन आजकल अभी क्या हो रहा है, बच्चे काम से बाहर जाते हैं, जॉब से बाहर जाते हैं और फिर बाहर रहते हैं, बार बार घर पे नहीं आ पाते। तो कभी उनको गणपति की स्थापना करनी है या उनकी पूजा करनी है तो उसके लिए कुछ बेसिक बातें जो हर घर में शायद अपनाई जाती हैं, उन बेसिक बातों का जिक्र मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको करूँगी। और साथ ही बहुत कम जगह पे बहुत सिंपल तरीके से हम गणपति जी को कैसे बिठा सकते हैं, कैसे उनकी स्थापना कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए। जैसे कुछ चीज़ें गणपति जी के लिए मोदक बनाना और पूजा की थाली तैयार करना, ये ऑलरेडी पहले दो वीडियो आ चुके हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी ताकि उससे आप देख सकें, उससे आपको हेल्प मिल सके। ये कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं जो मैंने बैकड्रॉप के लिए यूज़ की हैं। मैंने 3 कलर्स के फ्लावर्स यूज़ किए हैं, साथ ही लीव्स भी यूज़ की हैं। यहाँ मैं फ्लावर बनाने का एक आइडिया आपसे जस्ट शेयर कर रही हूँ। ये ड्राइंग शीट है, इसके हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स काट कर उनमें पेटल शेप देना है। आप डिफरेंट तरीके के पेटल शेप काट कर सेम तरीका अपनाते हुए डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के फ्लावर्स बना सकते हैं। साथ ही मैंने ग्रीन शीट ली है और उसको भी लीफ के शेप में काटा है। लीफ के शेप में काट के उनको पत्तों का आकार दे के फूलों के साथ में यूज़ किया है। मैंने येलो के थोड़े छोटे फ्लावर्स और रेड बड़े साइज के फ्लावर्स ऐसे डेकोरेशन के लिए बनाए हुए हैं। देखिए, ये इस तरीके से तरीका यही होगा, पेटल शेप आप अलग अलग दे सकते हैं और इस तरीके से आप अपने फ्लावर्स तैयार कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स 5 लेयर्स में रहते हैं, कुछ 4 लेयर्स में भी अच्छे दिखते हैं और कुछ छोटे फ्लावर्स यदि आप बनाना चाहते हैं तो वो 2 लेयर्स में भी अच्छे दिखते हैं। यहाँ मैंने 4-5 लेयर्स में बनाए हुए हैं फ्लावर्स। देखिए, ये फ्लावर बनके तैयार है। अब सेंटर जो पोर्शन इसका रहता है, पराग पोर्शन, उसके लिए रेड शीट से हमने रोल करके सेंटर में फिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड से बोर्ड को यू शेप में काट कर उस पर ग्रीन शीट पेस्ट की है और उस पर फ्लावर्स एंड लीव्स को पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरीके का दिखेगा और साथ ही बेल बनाकर हैंग कर दी है ड्राइंग शीट की ही। आरती की थाली बनाने का सिंपल तरीका, कोई भी स्टील की थाली लेकर बीटल लीव्स, जिसे हम पान कहते हैं, डबल साइडेड टेप से थाली पर इस प्रकार चिपकाएं। इसके अलावा मेरे पूजा थाली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। ये देखिए, इस तरह से हमको पान चिपकाने हैं थाली पर सर्कुलर वे में। देखिए, ये इस तरीके का दिखेगा और उसके बाद कोई भी पीले फूल डबल साइडेड टेप से ही पेस्ट करना है। पीले फूल इसलिए कि हरा और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत दिखता है। देखिए, अब इसको और डेकोरेशन के लिए आप वाइट फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें गेंदे के और रजनीगंधा के फूल यूज़ किए हैं।
ये घर का एक छोटा सा कॉर्नर चूज़ किया है जहाँ हम डेकोरेशन करेंगे। साउथ फेसिंग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये डेकोरेट करने पर ऐसा दिखता है। डेकोरेशन जरी की धुली साफ सुथरी साड़ी से की है, फूलों की झालर और लाइटिंग लगाई है, पीछे हैंडमेड बैकड्रॉप है, चौरंग पर गेहूं मूंग या ज्वार रखकर उसके ऊपर लाल वस्त्र और आसन बिछाया हुआ है। गणपति के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप सुपारी है। गणपति जी के जनेऊ लेफ्ट शोल्डर से राइट हाथ के नीचे पहनाना है, दोनों कंधों से शॉल की तरह उपरना, माला से सुशोभित। बप्पा को लाल फूल बहुत पसंद है। 21 धूप की जोड़ी डंठल पीछे की ओर, राइट साइड में घी का दिया, साथ ही दो पान सीधे डंठल पीछे की ओर पर खारीक बादाम सुपारी और पैसा सिक्का रखा जाता है। घंटा यदि हो तो राइट साइड में रखना है। 5 तरह के फल। बप्पा के लेफ्ट हैंड साइड में मौली से बंधे कलश में पानी और 5 आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखना। जटा ऊपर की ओर करके रखें। लेफ्ट साइड पर ही यदि घर पर हो तो शंख रख सकते हैं। अगरबत्ती धूप समय दोनों ओर। गणपति का अभिषेक हम सुपारी रखकर कर सकते हैं। आरती के लिए हम घी का दीपक व कपूर, अभिषेक के लिए पानी और पंचामृत का उपयोग करें। चंदन सिंदूर हल्दी कुमकुम अक्षत फूल फूलमाला एक थाली में रखें। रंगोली या तो हाथ से बना सकते हैं या रेडीमेड भी सजा सकते हैं। स्थापना मुहूर्त के अनुसार की जाती है। नहाकर साफ धुले वस्त्र पहनकर घी का दीपक जलाएं और पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करके उनका आह्वान करें। फिर गणेश जी को स्नान कराएं पानी एवं पंचामृत से। जनेऊ वस्त्र चढ़ाएं, चंदन सिंदूर कुमकुम अक्षत फूल चढ़ाएं, साथ ही दुर्वा चढ़ाएं। आप बप्पा के सूंड में भी दुर्वा चढ़ा सकते हैं। मोदक या लड्डू का नैवेद्य लगाएं। फिर आरती व कपूर आरती करें। अंत में प्रणाम करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इस दिन नैवेद्य या भोग में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती एवं चंद्र दर्शन भी वर्जित है। मोदक बनाने की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। देखिए हमारा डेकोरेशन पूरा तैयार है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है गणपति स्थापना के लिए। गणपति बप्पा मोरिया। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें।